अलादीन का चिराग इसी में से निकलता है। पता तुम्हें ये हमारे घर में पहले ऐसी मशीन होती थी, यहाँ से ये मक्खन वगैरह निकलता है। पाकिस्तान क्या हो रहा है? पहले इंजन तो चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जी गाइस, क्या हाल चाल है? सबके ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, मजे में हैं। आज जी माशाल्लाह जुम्मे का दिन है, आप सबको माशाल्लाह जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और टाइम हो रहा है जी 5:00, घड़ी तो मैंने लगाई नहीं, टाइम हो रहा है जी तकरीबन 4:05 होने वाले, यानी कि 5 बजने वाले हैं। और गर्मी भी अखीर है भाई, मैं क्या बताऊँ आपको, इस टाइम जो टेम्परेचर है वो 43 हो रहा है। अभी मैं जब गाड़ी में बैठा हूँ तो 44 था, और अभी 1 मिनट पहले ना ये तकरीबन 43 हो गया है। तो गर्मी बहुत शदीद, किसे शदीद कहते हैं ना, उस तरह की आज गर्मी है। और हम आज आ रहे हैं जी मक्का की यूज़ मार्केट में, जिसे कहते हैं मक्का हराज। हराज इसको अरेबिक में कहते हैं, और यूज़ मार्केट जैसा कि आपको पता ही है। तो चलते हैं, लोकेशन मैंने अपनी ऑन कर ली है, तो वहाँ जाके फिर आपको आगे के सीन दिखाते हैं। कारपेट्स वगैरह बड़े अच्छे मिल जाते हैं, बिल्कुल जो तुर्की के डिज़ाइन होते हैं ना वो वाले। और तकरीबन 100-150 रियाल में आपको 4-5 मीटर का एक पीस मिल जाता है, बिल्कुल फ्रेश। मैंने भी अक्सर 2-3 दफ़ा मैंने लिए हैं। और वहाँ ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने गाड़ी वाला एक कारपेट लेके जा रहा है, और मेरे ख्याल ये है, ये हराज जा रहा है, शायद वहीं पर सेल करेगा जाके। मैं दिखाता हूँ ये कैम बैक करके, ये देखें, ये बंदा भी ना कारपेट लेके जा रहा है, और ये वहीं पर जाके सेल करेगा अपना कारपेट। ये जी सामने माशाल्लाह मीना है, यहाँ पे अब हाजी लोग वगैरह आके ठहरते हैं, तो ये इंशाल्लाह यहाँ पे 1-1.5 महीने के बाद बहुत रौन के होंगे इंशाल्लाह। तो गाइस ये जी हम आ गए हैं मक्का हराज में, और यहाँ पे पार्किंग मिलना भी बहुत मुश्किल काम है। तो अब बस आगे चलते हैं। ये देखें यहाँ पे ये स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, एक कोई तोपें शोपें बेच रहा है, ये जो सऊदी ड्रेस होती है जिसको हम तोप कहते हैं, पाकिस्तान में उसको जुब्बा जुब्बा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको तोप कहते हैं। तो किसी ने कुछ स्टॉल लगाया हुआ है, किसी ने कुछ, ये यहाँ पर कोई चप्पलें बेच रहे हैं। और जी बस आगे चल के दिखाते हैं आपको, पहले ज़रा गाड़ी पार्क कर लें। तो जी ये साइकिलें वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पे, और देखते हैं कितने की हाजकम हाजकम हबीबी भी 450 में जी ये वाली, और पता नहीं ये पाकिस्तानी तकरीबन बने हैं, तकरीबन 20-25 हज़ार बनता है। हाँ महंगी है, नहीं स्पोर्ट्स बाइक जो साइकिलें ना वो इतने की हैं। अब मुझे एक ऐनक चाहिए, ऐनक देखते हैं किसी के पास अगर सही लगी हो। ये सब लोकल है, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगे हैं यहाँ पे, ये मूंगफली। मूंगफली को अरबी में कहते हैं जी अदस फूल। हम्मद हाजा कम किलो, कम कितने का, कम किलो 60 अशरीन 20 रियाल में जी मूंगफली 20 रियाल किलो, पाकिस्तानी 1000। ये बच्चा जी यहाँ पे पानी बेच रहा है 1-1 रियाल में। अनाज देख, 5 नहीं है ना। हाँ ये पुराने मोबाइल, और आप इनमें से कौन सा मोबाइल यूज़ करते रहे? तो बड़ी ये पुराने मॉडल यहाँ पे लगे हुए हैं जी, ये आज से तकरीबन 10-12 साल पहले, 15 साल पहले यूज़ होते थे।
अब तो इनका टाइम ही खत्म हो गया। ओहो इसकी तो बैटरी खुली है भाई, इनू रख दो साइड पे। हाजा कम, ये सैमसंग का मोबाइल है। हाजा खरबान, कुल्लू खरबान, वला फी कोइस, कुल्लू खरबान हाजा, कुल्लू खरबान। طيب هذا هذا بس ما في بطاريه شغال هنا كله ها هذا كم هذا 40 ريال 40 پاکستانی 2000 کا بس هذا في رمز في ايش رمز رمز ہاں یعنی پاسورڈ لگا ہوا ہے اس کو طيب वैक्यूम क्लीनर है जी, और पूछते हैं इससे कितने का। मोहम्मद हाजा वैक्यूम कम, वैक्यूम कम हाजा कम सर, फ्लूस कम, फ्लूस फ्लूस कम हाजा 100 रियाल का वैक्यूम क्लीनर, यानी ये पाकिस्तानी 5000 का। इसकी कंपनी कौन सी है वो भी देख लेते हैं, पता नहीं जर्नल मैक्स पता नहीं कौन सा ये। तो मोस्टली यहाँ पे 150 150 के करीब करीब मिल जाते हैं। यहाँ पे ये गाड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं, तो ये ख़राब ही होंगी, मोस्टली सही नहीं होती, इनकी बैटरी वगैरह ख़राब होती है। ये भी कुछ स्टैंड वगैरह लेके आए हैं यहाँ पे बेचने के लिए। ये सरफ है, सरफ हाजा कम खमसा रियाल, ये सर्फ है, सर्फ। तलाता फी तलाता, हाँ यानी 2x3 मीटर का ये साइज है। और कम सार हा था मिया रियाल, हाँ 100 रियाल का। और बस इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है लेकिन सही है। इधर आओ, ये सामने जी एक एलईडी लगी हुई है तकरीबन 40-50 इंच की है, तो इससे पूछता हूँ मैं क्या रेट है। हाँ भाई हाजा कोइस, कोइस वाला माफी कोइस हाँ 200 रियाल, हाँ 200 रियाल में रेट है, लेकिन कह रहा है कि मुझे नहीं पता चली तो आपकी ना चली वो फिर भी आपकी। चलो ये इधर आओ, ये जी कारपेट वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, इनमें से मुझे ना ये कुछ ना अच्छा लग रहा है, इसकी कंडीशन भी अच्छी है। नहीं इसकी ये कंडीशन नहीं सही, ये इसकी ये जो है ना ये कुछ भी थोड़ा बेहतर है। इससे पूछता हूँ, सलाम वालेकुम, इस कारपेट का क्या साइज है? 3 या 4 मीटर का चाहिए, 3-4 मीटर का, 3-4 मीटर, ये 3.5, 3.5, 3.5, ठीक है। इसका प्राइस कितना? 170 रियाल, हाँ। अच्छी कंडीशन में कौन सा है आपके पास? बड़ा, हाँ ये भी बड़ा है, अच्छा कंडीशन में है, हाँ, बड़ा है, हाँ इसकी कंडीशन भी अच्छी है। ये देखो, ये 4x4 बिल्कुल नया है, हाँ। ये कितने का है? 220 रियाल, सही। और इसका क्या साइज है? 4x5। ये कितने का? 180 रियाल, हाँ। ये क्या बेच रहा है? सलाम अलैकुम, सलाम रहमत, हाँ देश सिमसिम बिल्लो सादा सिमसिम बिल्लोस, एक दर्जन चल रहा है, मिलेगा इसके ऊपर कुछ मीठा है और तिल वगैरह लगे हुए हैं। सुन लो है जी, बताइए ना हब्बा नैन अपने यार शिल चला था हमसे जी, चला था चादर में लो पांच चार चार दो इसमें से निकाल लो, फिर इसमें खोले 5 रुपये चला था। ये
ये जी ये कुछ छुड़ियाँ चाकू वगैरह लगे हुए हैं, पुराने वक्त में ये यूज़ होते थे, और साथ ये मोबाइल लगे हुए हैं 10-15 रियाल में। محمد نفعي هذيك عندك هذا اصلي ولا تجاري عقيق يماني عقيق يماني ايوه اكيد الشرب يعني انا ما في معلوم هذا كيف اصلي ولا كيف اصلي شوف هذا اصلي هذا مو اصلي كيف فرق هذا تجاري هذا تجاري هذا اصلي ايوه لو كانت لو يمسك هنا مو زي القزاز هذا حجر بس هذا تجاري هذا اصلي شوف كيف الفرق لازم نفر معلم هو شوف انا والله ما في محل كيف يعني ممكن نفر ثاني يكلم هذا اصلي هذا ما في ممكن ये जी ये चाय के लिए ये इसको क्या कहते हैं ये अरबी लोग ना इसमें गावा वगैरह पीते हैं हाँ ये गावा इसमें डाल के ऐसे ये पता नहीं कितने का ये जो पुराने अरबी लोग होते हैं ना इनके घरों पे ये सामान होता है इवन नए जो अरबी लोग हैं उनके घरों में भी ये सारा सामान होता है पता नहीं अब ये कितने की है एक पूछते हैं उनसे इधर कोई है ही नहीं बताने के लिए कि ये कितने की है हाँ हाँ हम ये एक पीस 50 रियाल में ओहो यानी पाकिस्तानी 2500 रियाल ओ 2500 रुपये वाह क्या बात है कितने का भाई मोबाइल एक पाँच रियाल सही है ये खराब है खराब है खराब है तो ये जो ग्राइंडर है ये कितने का है ये 100 रियाल दो पीस 100 रियाल में दो पीस कौन सी कंपनी है ये असेंडेंट चाइना है लेकिन अल्मानिया का है जर्मनी तो ये यूज है या सही है नहीं, ये यूज में या न्यू में न्यू में है कार्टून पड़ा है नीचे अच्छा तो भाई यहाँ पे जो सामान है ना कुछ असली भी है कुछ नकली भी है बस ऐसे ही है कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे आपको ढूंढने पे अच्छी चीज मिलती है वैसे नहीं मिलती ये वॉकर पूछूं कितने की वॉकर लागू तो वैसे सही रही है मोहम्मद हाजा कम हाजा कम मियाँ रियाल 100 रियाल में वॉकर यानी कि कितने की 5000 पाकिस्तानी ये बैग सही है यार ये बैग का पूछते हैं कितने का मोहम्मद हाजा शंता कम कम सीन नहीं ये महंगा है 50 रियाल पाकिस्तानी 2500 रुपये उतने का तो नया भी मिल जाता है हाँ रियाल में और ये टूटियाँ हाँ जी किसी के घर की कोई नलका टूटी ख़राब हुई है तो ये यहाँ से ले जाए आके ये कितने का भाई सबाइन 70 रियाल यानी कि पाकिस्तानी 3-4 हज़ार में है ये सामान वगैरह कुछ लोग तो यहाँ से सामान भेजते हैं अपना जब लोग घर वगैरह बनाते हैं ना एक मेरा दोस्त है उसने तकरीबन अपना आधे घर का सामान यहाँ हराज से भेजा हुआ है ये टूटियाँ नलके शलके क्योंकि ये यहाँ पे ये एक्सटेंशन वगैरह ये इसके अंदर बस आपको वायर लगाने की ज़रूरत है बाकी सही है सब कुछ ये इस्तरियाँ अभी ये इसका रेट पूछता हूँ मैं कितने की ये पानी वाली है इसके अंदर यहाँ पर पानी डलेगा फिलिप्स की है मोहम्मद हाजा कम 30 कोस शगल ये 30 रियाल में है जी पाकिस्तानी यानी पाकिस्तानी बने 1500 रुपये बना और कह रहा है सही है चलती है अब पता नहीं चलती है या नहीं चलती ये तो घर झाके पता चलेगा लेकिन वो कह रहा है चलती है तो फिर चलती रहेगी यहाँ पे दो नंबर सामान नहीं मिलेगा आपको जो वो कह रहा है वो होगा और ये यहाँ पे ये जग वगैरह भी लगे हुए हैं ब्लेंडर तो ये थर्मस कोई अच्छी कंडीशन में हमें चाहिए एक ये खोल कर चेक कर लेते हैं इसको अंदर से तो बिल्कुल नहीं आया लेकिन बड़ा बहुत है ना मुझे तो ऑफिस के लिए चाहिए
ये भी वैसे सही है, इसको खोल के चेक करो जरा। तो बड़ा है। हाँ लेकिन घर के लिए यूज हो जाएगा, कभी चाय बना के तो बंदा बाहर चला जाता है कहीं बाहर जाके। हाँ हेलो कोइस सलाम कोइस कोइस हेलो असली अबानी। हां यबानी हेलो असली हेलो असली هو قال 15 ريال انا اقول 10 ريال يلا اديك 10 كويس ايوه هاي صلاه الكانتين هذا كويس يعني اديك 10 ريال هو भाई आश्रय लगाओ, आश्रय में दे दो। आखिर खामोश था, आखिर खामोश। हाँ भाई वो कम नहीं हो रहा, वो कह रहा है मैं 15 रियाल में दूंगा, 15 रियाल से कम नहीं दूंगा। ये थर्मस असली है, अच्छी जो कंडीशन के होते हैं ना, जापानी असली। तमाम ओहो वो ये चाकू देखें ये वो बचपन में जो ड्राम में वो देखता हूँ बाद में, पहले ये देखो ये चाकू ओहो ये वो क्या कहते हैं, ये एक ड्रामा में आता था ना सुल्तान या पता नहीं टीपू सुल्तान, उस ड्रामा में ऐसी चाकू। अलादीन का चिराग इसी में से निकलता है, पता तुम्हें? नहीं नहीं ये इसी में से निकलता है अलादीन का चिराग। निकालने वाली मशीन दिखाऊं, ये हमारी दादी के पास होती थी ऐसी मशीन मक्खन निकालने वाली, ये हमारे घरों में पहले ऐसी मशीन होती थी यहाँ से ये मक्खन वगैरह निकलता है, ये मेरी दादी अम्मा के पास थी ऐसी मशीन। ये बैग देखो जरा, हाजा कम अशरीन 20 रियाल में, इसका कलर प्यारा है। हाँ ये देख ये प्यारा लगा। हाँ 20 रियाल में, यानी कि पाकिस्तानी 1000 रुपया। जैसे ही हमारे कल्चरल नहीं होते सिंध वगैरह में इस तरह के कोई, ये दूरबीन है जी। हाँ कम कम यामी मियो तमानीन 180 रियाल में, ये दूरबीन है जी, ये मेरी आना को पकड़ो 100, ये दूरबीन लगा के नजर आएगा पाकिस्तान क्या हो रहा है। नहीं यार ये वाकई सही है दूरबीन, मैं देख रहा हूँ अभी इस टाइम पाकिस्तान क्या हो रहा है। ये मजलिस यहाँ पे ये सऊदी अरब में बहुत यूज होते हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता इसका ट्रेंड पाकिस्तान में भी जा रहा है। ये कैसे है मतलब? बैठने के लिए जलसा, यानी कि सऊदी अरब में ये बहुत यूज होते हैं। हाँ तो इसको इसकी प्राइस पूछता हूँ कितने की है, किधर गया है यार पाकिस्तान, इधर कोई है ही नहीं यार कोई इसकी जो प्राइस बताए। तुमने पानी पिया? ये इसका डिज़ाइन अच्छा है, ये पीछे ये एलईडी लगी हुई है तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा ना अच्छा हो गया। आजकल थोड़ा सा इसी तरह के डिज़ाइन चलती हैं, डिसेंट सिंपल। हाँ आला अच्छा डिज़ाइन है, नाइस, मुझे वो पीछे वाला ज़्यादा अच्छा लगा, वैसे तो ये भी अच्छा है पीछे वाला ज़्यादा अच्छा था। ये जी बच्चों के लिए बेड छोटे छोटे, और ये सारी वार्डरोब्स लगी हुई हैं यहाँ पे। म्याऊ तो गाइज ये जी सामने आप जो दुकानें देख रहे हैं ना इनके पास ये एसी फ्रिज वगैरह हैं, तो ये सामने भी एसी फ्रिज वगैरह, ये साइड मुकेफा तलाजा गसालात
गसाला यानी जो वॉशिंग मशीन होती है ना इसको अरबी में गसाला कहते हैं। और ये जी यहाँ के माहौल है, अब मगरिब का टाइम भी हो गया तो नमाज का भी टाइम हो गया। देखें ज़रा ये लोग यहाँ पर माशाल्लाह जी नमाज़ पढ़ रहे हैं। और अब जी हम यहाँ से जा रहे हैं, मैं भी बस यहाँ से वीडियो कमेंट करके नमाज़ पढ़ूँगा इंशाल्लाह, तो फिर इसके बाद हम जी अपने घर। जी तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो मक्का हराज, जिसे हम अपनी देसी ज़ुबान में लंडा भी कहते हैं। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यकीन माने वीडियो बनाने में भी बहुत टाइम लगता है और वीडियो एडिट करने में भी बहुत टाइम लगता है, तो काइंडली आप लोग सब्सक्राइब किया करें। इंशाल्लाह जी फिर मुलाकात होगी आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्नैच शेयर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।